नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियोस लेकर हाजिर हूँ। और ये चारपाई का आप पार्ट टू देख पा रहे हैं। मैंने पार्ट वन में माई कैसे कूदते हैं वो बताया था, पार्ट टू में ताना के बारे में बताया था, और ये पार्ट थ्री में इसके डिजाइन्स कैसे बनेंगे वो सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये यदि पार्ट वन पार्ट टू आपने देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखा तो इस वीडियो के राइट साइड में आई बटन होता है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों सीधे चारपाई पे। देखिए डिजाइंस कैसे बनाइए वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये आज ऊपर से नहीं बनाई मैंने, नीचे से बनाई है। इसमें सिर्फ आपको लहर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये देख लीजिए, ये सिर्फ तीन तीन की लहर का मैंने बनाया है। यहाँ से तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, फिर यहाँ पे एक दबाई, फिर यहाँ पांच उठाई है, फिर यहाँ पे एक दबाई, फिर तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई है। जब भी आप रस्सी लें दोस्तों तो ये जोड़ा से रस्सी लेनी है, ये बात विशेषकर आपको ध्यान रखना है। देखिए इसको मैं एक रस्सी बोलता हूँ, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार देखो, ये आपको तीन तीन का रस्सी, यहाँ पे एक दबाई, फिर आपको तीन तीन दबानी है इसमें, कि तीन तीन की सीक्वेंस का है। देखो यहाँ से भी मैंने स्टार्टिंग किया था, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, तीन तीन का। और ये नई डिजाइन की माइंग मैंने गुथी है, इसमें नाम लिखकर आपको दिखाया है देखिए। और ये दावणी भी थोड़ी अलग डिजाइन की डाली है मैंने, तो इसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया दोस्तों दावणी के बारे में। तो वो आप हमारे चैनल पर थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों किस प्रकार से हमें दावणी डाली जाती है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। और फिर या फिर माई के बारे में और ताना के बारे में पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया है, तो वो आप हमारे चैनल पे जाइए और थोड़ा विजिट कीजिए, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको बनाई है। तो ये सभी आपके ऊपर है कि देखो ये एक लहर इस प्रकार से पूरी चार पे में आप चाहें तो लहर बना सकते हैं, ये इस प्रकार से पूरी चार पे में बना सकते हैं, या ये अगर ब्लॉक भी दे सकते हैं। देखो इस प्रकार से ये ब्लॉक मैंने दे दिया, फिर यहाँ पर लहर डाल दी, फिर ये आगे ये ब्लॉक डाल दिया, तो इस प्रकार से भी आप आगे पीछे इनको कर सकते हैं दोस्तों। फिर ये मैंने कलर चेंजिंग कर दिया, ये लहर इधर मोड़ दी है तो ये लहर इधर मोड़ दी, अब यहाँ से देखो अलग ये सीक्वेंस चला दिया मैंने। तो इस प्रकार से चाहें तो आप इसके साथ साथ भी लहर ये बना सकते हैं दोस्तों। जैसे देखो यहाँ पे अलग मैंने ब्लॉक कर रखा है लहरों का, फिर यहाँ पे थोड़े अलग ये डाल दिए डिजाइंस, तो वो सभी आप कर सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर एक दवाई, फिर यहाँ एक दवाई, एक दवाई, यहाँ पर एक दवाई, यहाँ पर एक दवाई है, तो हर पाँच रस्सी बाद में एक रस्सी मैंने दवाई है। फिर ये तीन तीन का सीक्वेंस चलेगा इसमें, फिर ये फिर वापस से पाँच पाँच का सीक्वेंस चलेगा, फिर यहाँ पे एक उठाई है, पांच दबाई, फिर एक उठाई, पांच दबाई, एक उठाई, पांच दबाई, एक उठाई, पांच दबाई, ये लहर आप देखेंगे ये तीन तीन के सीक्वेंस में है दोस्तों। तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन का मतलब क्या है कि जोड़ा से आपको छह रस्सी लेनी सिंगल सिंगल दोस्तों। देखो ये देखो इसमें एक दो तीन, तो ये सिंगल सिंगल छह रस्सी है, वैसे जोड़ा से तीन रस्सी बोलता हूँ मैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा तब आप बना पाएंगे। ऐसे आपको डिजाइंस की चारपाई बनाने के लिए बहुत से हमारे चैनल पे आपको डिजाइंस मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर आपको नाम की मिल जाएगी दोस्तों, हिंदी इंग्लिश में दोनों में पर्टिकुलर्स मैंने नाम बताए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। या और भी आपको डिजाइंस हमारे चैनल पर आपको देखने, पूरी फूल बनानी है तो फूल बना सकते हैं। आज आपको फूल नहीं बना कर दिखाऊँगा, हालांकि ये आगे जाके दूसरी डिजाइंस बन जाएगी दोस्तों इसमें, वो एक अलग है। लेकिन इसमें ये आपको देखेंगे, ये लहर आप देखेंगे, ये थोड़ा सिक्वेंस अलग है इन लहरों का, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप चाहें तो चारपाई में ये स्टार्टिंग से भी ये लहर आप बना सकते हैं इस प्रकार से, या ऐसे भी बना सकते हैं, या आपको तिरछी भी बना सकते हैं, या दोस्तों वी आकार में होती है लहर वो भी बना सकते हैं। लहर ये सभी प्रकार की मैंने बताई, इससे और भी डिजाइन्स की मैंने लहर बनाई हैं, तो वो आप बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप बना सकते हैं। इसमें देखो खास ये है कि दूसरी टाइप की माई है और माई में नाम है अलग, देखो दोनों में देखो यहाँ पे वाई लिखा मैंने, आर लिखा है, यादव रवि लिखा है, और ये दावणी भी थोड़ा अलग डिजाइंस के दोस्तों, तो वो सभी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इसमें। तो ये सभी ये लहर भी थोड़ा अलग सीक्वेंस में बना सकते हैं, इस प्रकार से ब्लॉक बना सकते हैं, तो ये सभी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जब भी आप रस्सी लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा सिर्फ तीन की सिंगल सिंगल रस्सी आपको नहीं लेना है, डबल डबल रस्सी लेनी है। और ये सिंगल गुंडी में आप डबल गुंडी में बना सकते हैं, डबल माई में बना सकते हैं दोस्तों, ये सभी आप कर सकते हैं। और इसमें और आगे की डिजाइंस कैसे बनेंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, या आप चाहें तो इसमें नाम लिख सकते हैं, यहाँ भी नाम लिख सकते हैं दोनों में, तो ये भी आपके ऊपर है कि नाम लिखना है या नहीं लिखना है दोस्तों, तो वो सभी आप कर सकते हैं। या और इसमें खटिया आती है हमारी दोस्तों, जो खटिया में डिजाइंस कैसे बनेगी तो वो भी मैंने पर्टिकुलर बताया कि चौकड़िया खाट होती है, पाँच कड़िया की होती है, छः कड़िया की होती है, आठ कड़िया की होती है, नौ कड़िया की होती है, बारह कड़िया की होती है, तो वो भी मैंने बताया है। और उसमें भी सिंपल नहीं डिजाइंस बताए दोस्तों,
तो ये दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आपको सिंपल देखना है या डिजाइन सी देखना है, तो वो सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाए दोस्तों। लेकिन सभी में आपको हमारे चैनल पे जाइए, थोड़ा सा विजिट कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखना है और आप बना पाएंगे दोस्तों। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे। या फिर बोतल में चारपाई के बारे में देख सकते हैं, गोपन के बारे में देख सकते हैं, और जो भैंस की मोरी होती है वो देख सकते हैं, छिक्की देख सकते हैं, तो ये सभी भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। या और भी आपको देखना है तो हाथी, घोड़ा, मोर, ऊँट, तोता, ये सभी देख सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाए हैं। तो वो सभी आपके ऊपर है कि दोस्तों कौन सी डिजाइन आपको देखने हैं। और ये चैन का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, देखिए ये चैन का, ये चैन हमारे सिक्वेंस में ये आनी चाहिए दोस्तों, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये बात है, देखो इसमें भी फिर मैंने एक दबाई, यहाँ पे हर पांच रस्सी उठाकर एक एक रस्सी दबाई है, फिर मैंने तीन तीन का सीक्वेंस चलाया दोस्तों, फिर वापस ये पांच दबाकर एक उठाई, पांच दबाई एक उठाई, पांच दबाई एक उठाई, फिर वापस यहाँ पे तीन दबाई, फिर तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, फिर ये एक दबाई, फिर पाँच उठाई, एक दबाई पाँच उठाई, फिर एक दबाई पाँच उठाई, फिर यहाँ पे दोस्तों वापस से यहाँ पे तीन तीन का सिक्वेंस है, फिर यहाँ पे एक दबाई, फिर पाँच उठाई, एक दबाई पाँच उठाई, एक दबाई पाँच उठाइए, फिर वापस तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाइए, फिर यहाँ पे तीन दबाई, तीन उठाई, एक दबाई, सॉरी एक उठाई, पांच दबाई, एक उठाई, तीन दबाइए, फिर यहाँ पे तीन उठाइए, फिर पांच दबाई, एक उठाई, पांच दबाइए, फिर ये तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाइए, फिर यहाँ पे तीन दबाई, एक उठाई, फिर पांच दबाई उठाई, सॉरी एक दबाई, फिर तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई। तो ये सीक्वेंस आपको चलेगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको ध्यान देना कितनी बार रस्सी आपको मोड़ना है, तो कैसे मोड़ना है, फिर आपको आगे लेना है तो कैसे ले जाना है, फिर इसको मोड़ना है तो कैसे मोड़ना है, तो वो आप लहरों को मोड़ना सीख सकते हैं इसमें, आप उसमें ऊपर नीचे करना सीख सकते हैं, तो वो सभी कर सकते हैं। इसमें अलग कलर भी आप डाल सकते हैं दोस्तों, तो ये भी सभी आप कर सकते हैं। वैसे पर्टिकुलर्स मैंने फूलों का ही बताया है, और भी डिजाइन मैंने बताई हैं अलग कलर चेंज करके, वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से बहुत सी आपको डिजाइंस मिल जाएगी। आगे इसमें कैसे डिजाइंस मिलेगी वो भी आपको पार्ट थ्री में फोर में दिखाऊंगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।